चंपावत जनपद के टनकपुर में लगने वाला सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला इस समय नवरात्रि के शुभ अवसर पर चरम सीमा पर है। मेले में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिनों दिन कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर शासन प्रशासन व मेला संचालन समिति की चिंता काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर सभी जिम्मेदार विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन व मेला संचालन समिति अन्य विभागों के साथ मिलकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु लगातार अभियान चला रही है, लेकिन माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति व आस्था कोरोना पर भारी प्रतीत हो रही है। श्रद्धालुओं व भक्तों की लापरवाही को दुरुस्त करवाने में प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टनकपुर SDM हिमांशु कफलटिया बताते हैं कि पूर्णागिरी मेले को देखते हुए प्रशासन ने काफी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। खासकर COVID-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ पार्किंग, स्वच्छता, सुरक्षा की व्यवस्था व यातायात की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। चूंकि हाल फिलहाल में COVID-19 संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और एक दूसरी लहर COVID-19 की आ रही है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसी के क्रम में श्रद्धालु माता पूर्णागिरी के दर्शन करने आ रहे हैं। उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही मेडिकल मोबाइल टीम भी सैंपलिंग कर रही है। पूर्णागिरी मेला 2021 को देखते हुए प्रशासन ने काफी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। खासतौर से COVID-19 को देखते हुए हमने इस बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ ही साथ पार्किंग, स्वच्छता और उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है, यातायात की जो व्यवस्था है, उसको सुचारू बनाने के लिए हम लोगों ने काफी तैयारियां कर रखी हैं। हाल फिलहाल में जो कोविड है उसका संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है और एक सेकंड वेव कोविड की आ रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके क्रम में हमारे द्वारा जो श्रद्धालु चंपावत डिस्ट्रिक्ट में माता पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी मोबाइल मेडिकल टीम है, वो सैंपलिंग कर रही है।